नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मिल गया हिजबुल्ला का खजाना, नसरल्लाह ने बंकर में छिपा रखा था सोना और मिलियन डॉलर कैश, IDF का दावा। इसराइल ने हिजबुल्लाह को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा। इसराइली सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागरी ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह जिस बंकर में मारा गया वहां खजाना ही खजाना है। IDF के मुताबिक लेबनान के एक अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर है। इसमें 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सोना और कैश है। भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 41,94,50,25,000 रुपए है। यह बंकर बेरूत शहर के बीचों बीच अल साहिल अस्पताल के नीचे है। हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों को बनाए के निशाना। IDF ने दावा किया कि इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर सटीक हमले किए। हमारा निशाना एक सीक्रेट स्थान पर था। अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह ने खजाना छिपा रखा है। इन पैसों को निर्माण लेबनान के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है, लेबनान ने क्या कहा। IDF के दावे पर हिजबुल्लाह की ओर से भी जवाब आया। लेबनान के एक विधायक फादी अलामी ने इसराइल के इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। अलामी ने कहा कि दुनिया आकर देख ले, यहाँ पर सिर्फ अस्पताल है, अस्पताल में ऑपरेशन रूम और मरीज है। नसरल्लाह की बेटी ने भी गवाई जान। कुछ दिनों पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया गया था। एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्लाह समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब भी अपनी जान गंवा दी। शनिवार की मौत पर हिजबुल्लाह ने इसराइल को दी थी धमकी। हमास के अलावा इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है, वहीं हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कुछ दिनों पहले हमास नेता यमन शनिवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल को नई धमकी दी थी। हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इसराइल के खिलाफ जंग के नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। इस बीच ईरान ने कहा है कि यमन शनिवार की मौत के बाद प्रतिरोध की भावना प्रबल होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ नेशन आपकी आवाज़।